How to get more views on YouTube। ये लाइन तुम हजार बार सुन चुके होगे, पर शायद ही तुम्हें कभी किसी वीडियो से सही में फायदा हुआ होगा। लेकिन ये जो स्क्रीन पर तुम 1,60,000 से ज्यादा व्यूज देख रहे हो ना, ये मैंने बस एक सिंपल सी चीज ECTR को यूज करके किए हैं। एंड चाहे तुम्हारे चैनल पर मिलियन व्यूज आते हैं या बस 5-10 व्यूज, ये सबके काम आएगा। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें अपना खुद का डेटा दिखाकर बताऊंगा ये ECTR है क्या, एंड तुम इसे यूज करके कैसे फ्री व्यूज ले सकते हो। आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है, हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब यूजिंग ECTR। तो मान लो YouTube तुम्हारे वीडियो को 100 लोगों को दिखाता है, पर उसमें से वीडियो पर क्लिक सिर्फ 7 लोग करते हैं। ऐसे में हम कहेंगे तुम्हारा CTR 7% है। एंड लॉजिकल सी बात है यार, जितना ज्यादा CTR होगा उतने ज्यादा व्यूज होंगे। लेकिन क्या तुम्हें पता है एंड स्क्रीन CTR नाम की भी एक चीज होती है। एंड स्क्रीन माने जो वीडियोस तुम्हें किसी वीडियो के एंड में दिखती हैं, इनका एक अलग से खुद का एंड स्क्रीन क्लिक थ्रू रेट होता है। एंड मैं तुम्हें एक तगड़ी बात बताऊं, ये व्यूज बढ़ाने की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसको बहुत कम, एंड आई मीन इट, बहुत कम लोग सही से ग्रैब कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर तुम इसका सही से यूज करते हो, भाई लिटरली फ्री के व्यूज हैं। ये तो बहुत सही है यार एल्गोरो, पर यार दिक्कत तो वही है ना, लोग एंड स्क्रीन को क्लिक ही नहीं करते हैं, फिर क्या करें। तो देखो, ये तो तुम्हें कोई भी बता देगा कि ECTR जरूरी है, वॉच टाइम जरूरी है, एंड जैसा कि मैंने तुम्हें अभी कहा कि ECTR भी जरूरी है। लेकिन एटलीस्ट YouTube इंडिया में तुम्हें ये शायद ही कोई बताए कि इन्हें एक्चुअल में बढ़ाना कैसे है। हेंस अभी मैं तुम्हें अपना खुद का ECTR दिखाऊंगा और फिर दूसरे फेमस यूट्यूबर्स के एग्जाम्पल्स के साथ तुम्हें बताऊंगा कि तुम इसे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो। फिर चाहे तुम्हारा गेमिंग चैनल हो, कुकिंग, आर्ट, रोस्ट, एजुकेशनल, म्यूजिक, व्लॉग या यूट्यूब न्यूज चैनल ही क्यों ना हो। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें अपना एंड स्क्रीन CTR दिखाऊं, बात करते हैं कि कैसे कुछ फेमस यूट्यूबर्स इसका बढ़िया से यूज करते हैं। नहीं भाई सीरियसली, मुझे ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं मिला जिससे देखकर मैं तुम्हें कह सकूं कि यहाँ एंड स्क्रीन का यूज बेस्ट हुआ है। तुम फ्लाइंग बीस्ट का ही एग्जांपल ले लो, वीडियो की एंडिंग थोड़ी एब्रप्टली होती है, फिर लिखा आएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लास्ट में ये एंड स्क्रीन आ जाती है। ऐसे ही तुम मे बी सौरव जोशी व्लॉग्स का एग्जांपल ले लो, या तो वीडियो एकदम से एंड होगी एंड ब्लैक स्क्रीन में एंड स्क्रीन आ जाएगी, वरना सौरव खुद बाय कहेगा एंड फिर ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। दोनों ही केसेस में एंड स्क्रीन का यूज बस करने को करा है। एल्गोरो ज्यादा मत बना, ये स्क्रीन अच्छे से यूज नहीं करते तब भी इनके मिलियंस में व्यूज आते हैं। तूने एंड स्क्रीन अच्छे से यूज करके क्या कर लिया 1,00,000 से ज्यादा फ्री व्यूज। आई एग्री, फ्लाइंग बीस्ट के लास्ट 30 डेज में 126 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हैं, एंड इवन सौरव जोशी व्लॉग्स क्रॉस 260 मिलियन व्यूज इन द सेम टाइम पीरियड। लेकिन अगर वो एंड स्क्रीन को मे बी थोड़ा बेटर वे में यूज करते तो हाई चांसेस थे इन दोनों ही केसेस में फ्री के 1,00,000 व्यूज एड हो जाते। अब ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी तरह फ्लाइंग बीस्ट को भी अपने वीडियो के एंड में कहना चाहिए कि अब ये जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक कर दो। मुझे नहीं लगता कि ये उनके ब्रांड पर सूट करेगा। लेकिन यार छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अप्लाई करके तुम काफी डिसेंट रिजल्ट्स पा सकते हो। जैसे फ्लाइंग बीस्ट के थैंक यू फॉर वॉचिंग के बाद ये एंड स्क्रीन आती है, तो ज्यादा चेंज नहीं, बस इंस्टेड ऑफ दिस अगर यहाँ कुछ ऐसी एंड स्क्रीन होती तो एंड स्क्रीन व्यूज काफी बढ़ सकते थे। व्हाई? बिकॉज ही डज डेली व्लॉगिंग, तो ऑल्दो लोगों से व्लॉग्स मिस हो जाते हैं तो वो चैनल पर ही जाकर देख लेते हैं, पर अगर पिछले व्लॉग को एंड स्क्रीन में लगा दिया जाए तो इससे कुछ नुकसान तो नहीं है, बल्कि लोगों को एक एक्स्ट्रा रिमाइंडर मिल जाएगा कि अगर कल वाली वीडियो मिस हो गई थी तो जाकर अभी देख लो। एंड अगर वो ऑलरेडी पिछली वीडियो देख चुके तो राइट साइड में वीडियो ऑफ द डे या माय फेवरेट वीडियो, बेस्ट वीडियो और मालदीव सीरीज, ऐसा कुछ करने से चांसेस बढ़ जाते हैं लोग वीडियो को देखें। ऑल्दो फ्लाइंग बीस्ट के इतने व्यूज आ रहे हैं कि अगर वो ये नहीं भी करते हैं तो भी उनके मजे हैं। लेकिन अगर तुमने अभी यूट्यूब शुरू ही किया है या तुम भी मेरी तरह मिड टियर क्रिएटर हो तो एंड स्क्रीन CTR तुम्हारे बहुत काम का हो सकता है। बट अब बात आती है इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें। एंड स्क्रीन व्यूज के लिए तुम्हें दो चीजें समझने की जरूरत है। वन मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा, पर अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की। ज्यादा एंड स्क्रीन व्यूज आएंगे जब तुम्हारा एंड स्क्रीन CTR ज्यादा होगा, पर अब बात आती है इसे ज्यादा कैसे करें। रूल सिंपल है, क्रिएट अर्जेंसी फॉर सम अनदर वीडियो। कहने का मतलब है वीडियो के एंड में तुम्हें उनके मन में किसी और वीडियो को देखने की चुल शुरू करवानी है, एंड उसके बाद बस एंजॉय दी फ्री व्यूज। पर ऐसा एग्जैक्टली करना कैसे है? टू बी ऑनेस्ट, ये तुम
खुद सोचो कि तुम उनके मन में किसी और वीडियो को लेकर अर्जेंसी कैसे डेवलप करोगे। फिलहाल मैं तुम्हें अपने कुछ आइडियाज बताता हूँ जो कि तुम तुरंत अप्लाई कर सकते हो, एंड इन आइडियाज को सुनके तुम्हें और आइडियाज भी आएंगे। मान लो तुम्हारा गेमिंग चैनल है, ऐसे में तुम दो चीजें कर सकते हो। वन, कोई भी गेम खेल रहे हो तो ट्राई करो उसमें एक स्टोरी सी डेवलप करो, जैसे टेक्नो गेमर्स GTA 5 या किसी और गेम के साथ करता है। ऑल दो उज्जवल के वीडियोस तो इतने लंबे होते कि अगर कोई एक वीडियो ही पूरी देख ले एल्गोरिथम के लिए वही बहुत है। लेकिन हाँ, अगर तुम 10 से 12 मिनट की वीडियोस बनाते हो तो स्टोरी बनाना मस्त काम करेगा। इसके बाद सेकंड चीज जो तुम कर सकते हो, पर ये ऑलमोस्ट हर नीच पर अप्लाई होती है, चाहे वो गेमिंग हो या ब्लॉगिंग हो या कुछ और। इसमें तुम्हें करना क्या है कि इससे पहले कि तुम वीडियो को एंड करो, लोगों को किसी पुरानी वीडियो के किसी पुराने पार्ट को लेकर थोड़ी क्यूरियोसिटी जनरेट करो, एंड फिर कहो पूरी कहानी जाननी है तो एंड स्क्रीन वीडियो पर क्लिक कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमने कभी किसी वीडियो में लगातार 11 हेडशॉट मारे थे। ऐसे में तुम कह सकते हो कि अगर 11 खतरनाक हेडशॉट देखने हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो। व्लॉग्स में तुम कह सकते हो कि भाई जब मैं मनाली गया था ना, तब मेरी सही में हालत खराब हो गई थी, अब क्यों हुई थी ये जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो। बेसिकली ये मान लो लास्ट के कुछ सेकंड्स तुम्हारी किसी और वीडियो के लिए एक ऐड होने वाले हैं, ऐसे में उसमें अपना बेस्ट दो ताकि लोगों को रीजन मिले टू क्लिक दी नेक्स्ट वीडियो। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें इन सभी चैनल्स के लिए आइडियाज दूं, एक और चीज है जो कि मेनली तो कुकिंग और आर्ट चैनल्स में मस्त अप्लाई होगी, पर ये गेमिंग और व्लॉग चैनल्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। पर ये चीज है क्या, एक चीज समझो, आर्ट और कुकिंग चैनल पर जितनी बढ़िया तुम्हारी डिश या आर्ट की फोटो होगी, लोगों को उसे बनाने या खाने का उतना ही ज्यादा मन करेगा। एंड एग्जैक्टली यही तुम्हें करना है एंड स्क्रीन CTR को बढ़ाने के लिए। मान लो तुमने अभी अभी लोगों को जलेबी बनानी सिखाई है, तो भाई वीडियो के एंड में रसमलाई की इतनी तगड़ी वीडियो बनाकर डालो कि लोग उसे खाए बिना रह ही ना पाए। अब खाना है तो तुम्हारे घर पर तो आ नहीं जाएंगे, उन्हें रसमलाई खुद बनानी पड़ेगी, एंड बनाने के लिए उन्हें तुम्हारी रेसिपी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। हेंस इससे तुम्हारे व्यूज बढ़ जाएंगे। सिमिलरली अपने किसी व्लॉग का कोई इतना तगड़ा सीन दिखा दो कि उनसे वो व्लॉग देखे बिना रहा ही ना जाए, और फिर कह दो कि पूरा देखना है तो ये वीडियो देखो। सेम चीज आर्ट चैनल पर भी अप्लाई होती है, तगड़ी सी आर्ट बनाकर उसका टीजर डाल दो। वैसे अब आर्ट चैनल है तो तुम एक और चीज कर सकते हो। मान लो तुमने अभी अभी लोगों को विराट कोहली ड्रॉ करना सिखाया है, तो तुम कह सकते हो कि तुमने ड्रॉइंग बनानी तो सीख ली, पर ये कुछ दिन में खराब हो जाएगी, फिर क्या करोगे? अब इसका सॉल्यूशन जानना है तो मेरी स्प्रे पेंटिंग वाली वीडियो देख लो। तो मेन पॉइंट है, तुम्हें लोगों को एक रीजन देना है, तुम्हें लोगों में अपनी किसी वीडियो के लिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ये सब तो ठीक है एल्ग्रो, पर तूने तो कहा था तू अपना खुद का एंड स्क्रीन CTR भी दिखाएगा, भूल गया क्या? नहीं भूला। एंड हेंस अब बात करते हैं मेरा एंड स्क्रीन क्लिक थ्रू रेट कितना है। तो अगर तुम देखते हो तो एक तरफ तो मेरी हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स, जिस पर कि इस टाइम 6 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं, उसका ECTR लगभग 17% है। वहीं दूसरी तरफ सेकंड वीडियो में ECTR इवन 2% भी नहीं है। तो इस वीडियो में ऐसा क्या खास है जो कि दूसरी वीडियो में नहीं है? अच्छा, ऐसे ही बीच में एक बात याद आई, अगर तुम्हारा एक YouTube न्यूज चैनल है तो इसमें तुम एक तरफ तो अपनी पिछली वीडियो, वहीं दूसरी तरफ अपने सेकंड चैनल की वीडियो प्रमोट कर सकते हो। पर एल्ग्रो हमारा तो सेकंड चैनल है ही नहीं। अरे तो बनाओ ना एक ऐसा चैनल जिस पर कि कंटेंट तुम्हारे बारे में हो एंड लॉन्ग टर्म हो, इससे लोगों के बीच में तुम्हारा कनेक्शन बेटर होगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस वीडियो में ऐसा क्या खास है? तो लेफ्ट वाली दोनों ही वीडियोस का ECTR 16% से भी ज्यादा है, पर क्यों? बिकॉज मैंने उन दोनों में ही एक सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करी है। इस वीडियो में मैंने ये तो बता दिया कि व्यूज आ रहे हैं तो उन्हें सब्सक्राइबर्स में कैसे बदलना है, पर एक सवाल अनआंसर्ड था, व्यूज कहां से आएंगे? हेंस मैंने एंड में व्यूज कैसे लाए वाली वीडियो को कनेक्ट कर दिया। वहीं अगर तुम इस वीडियो के एंड को देखते हो तो वो कुछ ऐसा है। भाई पूरा ना सही, अगर इस वीडियो से मेरी 50,000 ऑडियंस में से अगर 1,000 लोग भी समझ जाते हैं कि ऐसे कमेंट्स करने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँगा। तो इसको जितना हो सके शेयर करो, एंड कल से दोबारा कंटेंट इम्प्रूवमेंट वाली वीडियो चालू। तो तुम देख सकते हो, बस एक अच्छा कॉल टू एक्शन देने से, थोड़ी सी सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाने से तुम्हें कैसे फ्री के व्यूज मिल सकते हैं। सिंस मेरा एजुकेशनल चैनल है तो तुम इसे आइडियाज ले सकते हो कि एजुकेशन या फैक्ट वाली नीश में कैसे ECTR बढ़ाना है। लेकिन एल्ग्रो तूने ECTR के बारे में तो बता दिया, पर मेरे दिमाग में एक और चीज आई, एंड स्क्रीन CTR का मतलब है कि जितने लोगों को एंड में ये वीडियोस दिखती हैं उनमें से कितने लोगों ने वीडियो को क्लिक करा। पर भाई एक बात बता, उन्हें एंड स्क्रीन तो तब दिखेगी ना जब वो वीडियो को एंड तक देखेंगे, एंड इसके लिए तुम्हें अपना ऑडियंस रिटेंशन वाला ग्राफ स्टडी करके लोगों को एंड तक रोकना होगा। अब इसके बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो, वरना व्यूज बढ़ाने हैं तो राइट वाली प्लेलिस्ट
लिस्ट बड़े काम की है। ऑल्सो इस वीडियो मैंने बहुत तगड़े आइडियाज दिए हैं, जो अप्लाई करेगा उसके मजे हैं, चाहे तुम्हारा चैनल मिलियंस में ही क्यों ना हो।